श्रीमद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम षटी सीता वियोगा दुखित राम परिसान्वय लक्ष्मण प्रारब्ध कर्मणो भोगवश्य भावित्वे वशिष्ठादी निदर्शनी अपकारी निकृत सीता परिमोचनाय प्रवर्तयति तम तथा शोक सतप्त मोहेन महता युक्त पैरूनमचेत तत सौ मित्रिरा आश्वास्य मुहूर्ता दिवक्ष्मण राम संबोधयास चाभि पीड़न महता तपसा चापी महता चापी कर्मना राज्ञा दशरते नासी लब्धो मृतमिवा मरैहि तव चैव गुणैर् वियोगानमहिपतिहि राजा देवत्वपा मापन्नूर भरतस्य यथा यदि दुःखमिदं प्राप्तं काकुस्तन महिष्यसे प्राकृत छाल्य असत्वस्य स छल्पसत्वस्य इतरक सहिश्यति आश्वसीहि नरश्रेष्ठ प्राणीनह कस्यता अग्निवद्राजन क्षणेन व्यपयानी च तो हि भा लोकां तेजस यदि धक्ष्य अर्ता प्रजानरव्याघ्रु यानी निवृत्ति लोक स्वभावे वैश ययाति हूषात्मज गतशक्रेन सालोक्यमनयस्तम लोक्य समस्पृशत महर्षियो वसिष्ठस्तु यः पितुर्न पुरोहितः आह्ना पुत्रशतं जज्ञे तथैवास्य पुनर्हतम् यो जगतो माता सर्वलोक नमस्कृता अस्याश्च चलनं भूमे दृश्यते कौशलेश्वर यो धर्मो जगतो नेत्रो यत्र सर्वं प्रतिष्ठितं आदिचंद्रो प्रहर ग्रहण अभ्युपेतौ महाबलौ सुह सुमहांत भूतानी देवाशपुर शब न दीव से प्र मुंचभूता देहिन्क्रादीष्वि देश वर्तमान शूये ते नर शादूल व्यतिमर्हसी अमृतामय अमृतायामपि वैदेह्याम नष्टयामपि राघव शोचितुम नारहसे वीर यथान्य प्राकृतस्तता त्वद्विदा नहि शोचन्ति सततं सर्वदशा दर्शनाः सुमहस्वपि कृच्छेषु कृत्रेषु रामा निर्विर्ण दर्शनाः तत्वर श्रेष्ठ बुद्ध बुद्ध्या बुद्धिया महाप्राजा विजानती शुभा शुभे अश् अश, अदृष्ट गुण दोषाण अद्रुवाणाम तु कर्मणाम नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं च वर्तते मामेवं हि पुरा वीरत्वमेव त्वमेव बहुशोक्तवान् अनुशिष्याद्धि को नु त्वामपि साक्षात् बृहस्पतिः बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया शोके प्रसुप्त ते ज्ञानम संबोधयाम्य हम दिव्यं चनुषम चा चमन पाक्रमं इक्वाक् वृष वृषभक्ष्यतस्व यतस्व द्विपदां दि वधे हिंते सर्व कृतेन पुरुषशभ तमेव तुम रिपुं पापं विज्ञायो धर्तुम अर्हसि इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकांडे षट्षष्टितमः सर्गः